उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। दहन लगातार रोकने की कोशिश के बावजूद भी विफल रही। पुलिस कलेक्ट्रेट गेट पर जहां कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हुए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते पुतला फूंक दिया। इस दौरान पुलिस लगातार प्रयास के बावजूद भी विफल रही। बुलंदशहर से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। किसान विरोधी सरकार है। आज जब बुआई का टाइम है तो भाजपा सरकार में डीएपी खाद गायब है बाजार से। किसान सुबह से लेकर शाम तक सर्दी में जितने भी वितरण केंद्र हैं सुबह से शाम तक ठंड में खड़े रहते हैं और शाम को मायूस होकर खाली हाथों वापस आते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने सह प्रभारी माननीय धीरज गुर्जर ने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के लोगों को भेजा है कि किसान विरोधी मुख्यमंत्री योगी जी का पुतला फूंकिए और नारे दिए हैं या तो खाद दो वरना यूपी छोड़।